अंधेरी तेरस का एक ऐसा त्योहार जिसका इतिहास भारत के बिहार से लेकर हिंद महासागर की उफनती लहरों से जुड़ा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धनतेरस का वो सांस्कृतिक रहस्य जो करोड़ों वर्ष पुराने वैवस्वत मनवंतर से लेकर आज 2022 तक और मंदरांचल पहाड़ की भौगोलिक बनावट से लेकर वासुकी नाग से जुड़े बायोलॉजिकल साक्ष्य के हैरतअंगेज प्रमाणों से संबंधित है। हजारों वर्षों से मानव सभ्यता जिस धनतेरस को मनाती आ रही है उसकी अहमियत क्या सिर्फ धन दौलत खरीदना है या इसके पीछे मौजूद है कोई वैज्ञानिक खोजबीन से परे प्राचीन भारतीय मेडिकल साइंस का रहस्य। आखिर क्या है धनतेरस का भगवान धन्वंतरी कनेक्शन? क्या धनतेरस के दिन ही देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन की घटना को अंजाम दिया गया था? अगर हाँ तो इतिहास में कब हुआ था समुद्र मंथन? इसे पृथ्वी पर कहाँ मथा गया था और वाकई इसका धनतेरस से कोई रहस्यवादी संपर्क है? ये बताएगा आज का हमारा एपिसोड निनाफिकेशन ऑफ धनतेरस का रहस्य। धनतेरस एक ऐसा त्योहार जो हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। समाज का हर समुदाय और वर्ग इस दिन अनेक बहुमूल्य धातुएं और दूसरे जरूरी सामानों की खरीदारी करता है। आम जन धारणा तो यही है कि धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार के धन को खरीद कर घर में लाना शुभ माना जाता है, मगर आज हम धनतेरस के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो न सिर्फ धन दौलत खरीदने से जुड़ा है बल्कि भगवान धन्वंतरी और महामाता लक्ष्मी के साथ ही हिंद महासागर में किए गए समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से अल्फा सिलेबरिकली जुड़ा हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं धरती के इतिहास के उस दौर में जहां पौराणिक टेक्स्ट के अनुसार वैवस्वत मनवंतर से हजारों सालों पहले चाक्षुष मनवंतर में भगवान विष्णु की सहायता से समुद्र मंथन की घटना को अंजाम दिया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा बलि और देवराज इंद्र के बीच समझौता हुआ और वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए तब मंदरांचल पर्वत जो आज भी बिहार के बांका जिले के बांसी बाराहाट प्रखंड की सीमा पर अवस्थित है, ये मंदार पहाड़ इस बात का प्रमाण है कि इतिहास में हुए समुद्र मंथन में इसे चर्निंग रोड के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इस पर्वत को भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर समुद्र के भीतर आधार प्रदान किया था। इसके साथ ही वासुकी नाम के विशाल नाग को रस्सी बनाकर वो समुद्र मंथन क्षीर सागर में किया गया था जो संभवतः आज का हिंद महासागर ही है। जब समुद्र मंथन चलता गया तब उसमें से हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, रंभा नाम की अप्सरा और कल्प वृक्ष जैसे 14 रत्नों के साथ ही इसी समुद्र मंथन से दो ऐसी महान विभूतियां भी निकलकर बाहर आई थीं जिनका सीधा संबंध आज की धनतेरस से था। इसी दी ग्रेट ओशियन चर्निंग से उत्पन्न हुई थी महामाता आदिलक्ष्मी जो धन संपदा समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। यही कारण है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तेरस को लक्ष्मी माता के अपीयर्ड होने के कारण धनतेरस के नाम से जाना जाता है और यह मान्यता भी प्रबल हुई कि आज के दिन धन धातु की खरीदी करनी चाहिए। मगर आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस का महत्व सिर्फ सोना चांदी की खरीदी करने से ही नहीं है बल्कि उससे भी है जो हम इंसानों की सबसे बड़ी दौलत है यानी हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। आज ही के दिन समुद्र मंथन के द्वारा भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में चिकित्सा, आयुर्वेद और आरोग्य के देवता माने जाते हैं। यही कारण है कि आज का दिन भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु पीतल है, इसीलिए वर्षों से आज के दिन पीतल खरीदने की परंपरा भी चली आ रही है। जिस तरह से हम धनतेरस पर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए धातु और पात्रों की खरीदी करते हैं, ठीक वैसे ही हमें धनतेरस पर यह प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि हम अपना और अपने परिवार के साथ ही संपूर्ण समाज के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहेंगे। हमारी ये प्रतिज्ञा ही हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा होगी महामाता आदिलक्ष्मी और आरोग्य देवता भगवान धन्वंतरी के प्रति।